वेलकम टू एशाज यंग गाइस। अगर आपने 10th का एग्जाम अभी दिया है, हालांकि 10th के बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, और आपको 11th में अब एडमिशन लेना है, तो अगर आप महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से एग्जाम अनाउंस किया गया है, सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। सो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज FIJC में एडमिशन के लिए, 11th के एडमिशन के लिए आपको ये सीईटी देना है। धीरे धीरे करके डिटेल्स इसकी सामने आई है। पहले हमने देखा कि बोर्ड ने ये क्लियर किया कि हमें ये एग्जाम देना है और ये एग्जाम अनिवार्य नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपको वो कॉलेजेस मिलेगी जो बचेगी आफ्टर ऑल दो स्टूडेंट्स, जब सब बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है कैसे भी उनके मार्क्स है उनके सबके एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो ऑफकोर्स इसका मतलब तो आपको एग्जाम देना ही होगा अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। तो अब ये सीईटी एग्जाम जो है ये कब कंडक्ट होने वाली है, एग्जाम डेट आ गई है, फॉर्म फिलिंग कैसे होने वाला है वो बाहर आ गया है, अब सारा नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल सिलेबस भी बोर्ड ने दिया है, तो वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सीईटी एग्जाम डेट है 21st August 2021 सैटरडे, मतलब आपके पास आराम से एक महीना अभी है प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम का टाइम भी अनाउंस किया गया है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये हमें पहले ही पता था। तो एग्जाम का टाइम है सुबह 11 बजे से दोपहर को 1 बजे तक, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल हो गए, MCQ टाइप पेपर होगा, आपको 4 में से 1 करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये एग्जाम के लिए ये भी कहा गया है कि आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए अपने एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है तो आपको एग्जाम सेंटर भी दिया जाएगा, उसकी भी डिटेल से हम देखेंगे। तो एग्जाम सेंटर पे आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, मतलब 10 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, ये भी लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एग्जाम डेट तो मिल गई हमें, फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग शुरू हो रहा है 20th जुलाई से, कल से, ट्यूसडे 20th जुलाई से 11:30 बजे ये शुरू होगा सुबह, और ये 26 जुलाई तक चलेगा। इतने टाइम में आपको फॉर्म भर के कंप्लीट कर देना है। और वेबसाइट है हमारी जो बोर्ड की, वो है http://mh-ssc.ac.in। तो इस वेबसाइट पे आपको अपना डिटेल्स भरने हैं और उसके बाद ही आप ये एग्जाम दे पाओगे। सारे बच्चे, आप अगर स्टेट बोर्ड के हो, CBSE, ICSE, इंटरनेशनल बोर्ड के भी हो, अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको ये सीईटी देना है 11th एडमिशन्स के लिए, और यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। और अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो भी आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं हो जाते, आपको ये फॉर्म फिर भी भरना होगा। मतलब सारे बच्चे जो सीईटी देना चाहते हैं, कोई भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो या और बोर्ड के हो, उनको सबको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2021 में एग्जाम दिया है तो ही आप 11th एडमिशन लेना ले सकते हैं। आप अगर पहले भी बोर्ड एग्जाम दिया है कभी, तो भी आप इस साल ये एलिजिबिलिटी है कि आप ये एग्जाम दो और उसके बेसिस पे ही 11th एडमिशन हो गए। तो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने भी 10वीं क्लियर की हो कभी भी, कोई भी बोर्ड से। उसके बाद एग्जाम फी, एग्जाम फी सिर्फ इस साल 2021 बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे थे जिनका अभी 10वीं का रिजल्ट आया स्टेट बोर्ड से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कोई एग्जाम फी नहीं है, बाकी सभी बच्चों के लिए एग्जाम फी है ₹175 और ये आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम सेंटर भी आपको दिया जाएगा, आपके एड्रेस, आप जो डिटेल्स भरोगे एग्जाम सेंटर के लिए भी, वहाँ डिटेल्स, फॉर्म अभी आउट नहीं हुआ है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास दिन है, कल से शुरू हो रहा है टाइम, 6-7 दिन, 1 हफ्ते का ही टाइम है, आपको 1 हफ्ते में फॉर्म भरना है। तो जब ये फॉर्म भरोगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप अपना एड्रेस भी डालोगे, आप अपना एग्जाम सेंटर, कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें आप जो सिटी तालुका जो सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। देन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल किया जाएगा, जब थोड़े टाइम के बाद, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, उसके बाद एडमिट कार्ड भी आएगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन होगा, आपको उसे डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट लेके रखना है। तो आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको उसका प्रिंट आउट लगेगा, और उस प्रिंट आउट पे एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा उस पे फोटो होना ज़रूरी है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो फोटो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। फोटो, अगर आप 2021 के स्टूडेंट हो और बोर्ड के पास आपका फोटो होगा तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो फोटो भी आ गए, बाकी डिटेल्स भी आ गए, तो आपको ऑटो फिलिंग हो जाएगा, वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। पर बाकी सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोटो डालो, अपना सारा डिटेल्स डालो, ताकि आपके एडमिट कार्ड पर ये सब हो, तभी आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न
में बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि पेपर पैटर्न क्या है, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओवर शीट पे आपको पेपर देना है, ये भी बताया गया था, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये भी हमें पता है। तो 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चंस है, चार सेक्शंस है और 25-25 मार्क्स के हर सेक्शन से क्वेश्चंस है, ये सब हमें पहले से पता था, पर ये भी डिटेल अब दी गई है। ओएमआर शीट आपको पता होनी चाहिए, ओएमआर शीट लुक समथिंग लाइक दिस, आपको इस पे जो है चार ऑप्शन है तो उनमें से एक को सर्कल करना होता है, तो ये ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, अब आप अगर अलग अलग मीडियम से हो तो आपके लिए वो भी प्रोविजन है, एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा, इंग्लिश के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, सिंधी, इन सारे लैंग्वेजेस में भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा जब आप फॉर्म भर रहे होगे, तो ये बहुत जरूरी है, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम भी आपको प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा सिलेबस, जैसे मैंने कहा 100 क्वेश्चंस हो गए तो चार सेक्शंस है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 25 क्वेश्चंस और सोशल साइंसेस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इस सेक्शन में भी 25 क्वेश्चंस हो गए। सो ऐसे करके ये सिलेबस है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th के सिलेबस के बेसिस पे ही ये पूरा पैटर्न होगा। और आपका जो रिड्यूस सिलेबस था, जो 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया था बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम, वो इस सीईटी के लिए भी एलिजिबल होगा, उसके लिए भी होगा, मतलब कि आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिटेल सिलेबस भी दिया गया तो आप उससे भी पता चल जाएगा आपको कि रिड्यूस सिलेबस इंक्लूड नहीं किया गया है। थोड़ी एम्बिग्विटी है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, वो भी हम समझ लेंगे क्या है आगे सिलेबस जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वही है, मतलब आपको रिड्यूस सिलेबस का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का तो और भी रिड्यूस किया गया था सिलेबस, तो सारा रिड्यूस सिलेबस जो है स्टैटिस्टिक्स वगैरह कम्प्लीटली वो है नहीं एग्जाम में, आपको सीईटी के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस डिटेल मैथ्स का भी दिया गया है, हम देखेंगे। फिर इसके बाद देखो डिटेल सिलेबस शुरू करते हैं, अब तो इंग्लिश का डिटेल सिलेबस दिया गया, ऑफकोर्स इंग्लिश में क्या आएगा, मेनली ग्रामर, लैंग्वेज स्टडी सेक्शन, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको 33 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो 25 सवाल आने वाले इंग्लिश में से 33 टॉपिक्स है, इनमें से कोई भी टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, सो दिस इज लैंग्वेज स्टडी। उसके बाद नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी आएगा, 6-8 लाइंस का पैसेज होगा और उसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे, अगेन एमसीक्यूज, मतलब पैसेज पढ़ना है आपको, नॉन टेक्सचुअल मतलब आपकी इंग्लिश कुमार भारती बुक से क्वेश्चंस नहीं होगे या इंग्लिश जो भी आपकी माय इंग्लिश कोर्स बुक है उससे क्वेश्चंस नहीं होगे, ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज होगा, बाहर से पैसेज होगा और आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देना है, मतलब आपको इंग्लिश के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर करना है आपको, पोएटिक डिवाइसेस पे भी क्वेश्चन हो गए, मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स जो अपना होता है लेटर राइटिंग वगैरह उसके बेसिस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये पूरा आपका सिलेबस है, तो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर इंग्लिश। आफ्टर दैट यू हैव डिटेल्ड सिलेबस फॉर साइंस, साइंस में साइंस वन साइंस टू दोनों आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स है उनका पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स दिया हुआ है, सारे 10 चैप्टर्स साइंस वन के और सारे ऑल 10 चैप्टर्स ऑफ साइंस टू आर मेंशन, सो आपको पूरा साइंस वन साइंस टू का सिलेबस करना है एक्सक्लूडिंग द रिड्यूस सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस पूछा नहीं जाएगा ऐसा बोर्ड ने कह दिया है। फिर उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में भी मैथ्स वन मैथ्स टू आपको दोनों करना है, मैथ्स वन का सिलेबस आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, सिर्फ ये चार टॉपिक्स बोर्ड ने मेंशन किए, इसके अलावा और मैथ्स वन का सिलेबस नहीं है जो सीईटी में आएगा, मतलब रिड्यूस सिलेबस नहीं आएगा, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह भी नहीं है। मैथ्स टू में सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये पांच टॉपिक्स आएंगे, इसके अलावा सवाल नहीं आएंगे और ये भी एमसीक्यूज है। फिर इसके बाद सोशल साइंस देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में अपना फर्स्ट चैप्टर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में है वो है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो वो मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे लिखा गया है क्रिटिकल समरी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, मतलब यहाँ पे ओपन एंडेड सिलेबस दिया गया है कि एंशियंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स के बीच में से कोई भी टाइम का कोई क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, है ना। और अप्लाइड हिस्ट्री हमारा चैप्टर है ऑलरेडी,
हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में वो भी मेंशन किया गया है, मास मीडिया एंड हिस्ट्री भी मेंशन किया गया है, और एंटरटेनमेंट मीडिया एंड हिस्ट्री, एक्चुअली एंटरटेनमेंट इन हिस्ट्री एक्चुअली रिड्यूस सिलेबस में है। इवन आर्ट्स का फोर्थ चैप्टर जो हमारा ये रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स है, लेकिन इनको भी मेंशन किया गया है, और साथ में मेंशन किया गया ये वो टॉपिक्स है जो रिड्यूस किए गए थे, तो रिड्यूस किए गए थे पर सीईटी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, मतलब इनको भी आपको पढ़ना होगा, मतलब हिस्ट्री के लिए आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स है, हिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन्स भी हमारा स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन किया गया है, लास्ट चैप्टर के जगह ऐसे मेंशन किया गया। तो ये हिस्ट्री के इस पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हमें स्टडी करना है। पॉलिटिकल साइंस क्लियर कट है, जैसे हमारा टॉपिक्स है हमारे टेक्स्ट बुक में वही मेंशन किए गए। लास्ट चैप्टर जो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वो कैंसिल किया गया था, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये पांच टॉपिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, हमको दोनों करना है, नेशनल और रीजनल पार्टीज, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी सिलेबस कैसा है हमारा, फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट पे, ऑफकोर्स एमसीक्यूज को ज्यादा स्कोप नहीं है तो उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, फील्ड विजिट नहीं है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट भी मेंशन नहीं किया गया, तो क्लाइमेट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, हालांकि वो सिलेबस का था पार्ट, रिड्यूस सिलेबस में भी नहीं था, पर इट दे हैव नॉट मेंशनड इट, तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मेंशन किया है, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे भी चैप्टर्स ज्योग्राफी के ज्यादा है, पर जो सिलेबस दिया गया है बोर्ड से वो ये है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के स्कोप भी कम है, सारे चैप्टर से अगर एक एक सवाल पूछेंगे भी तो ये देखिए कितने टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे। अगर हम हिस्ट्री के भी टॉपिक्स देखें तो 7+5 ना, 7 टॉपिक्स यहाँ पे, 7 यहाँ पे भी काफी सारा स्कोप है क्वेश्चंस पूछने का, तो यहाँ पे कितने टॉपिक्स हो जाएंगे ये, अगर यहाँ से समझो 10 सवाल भी पूछे, 10, 5, तो काफी कम स्कोप है क्वेश्चंस पूछने का, तो उन्होंने टॉपिक्स यहाँ पे अगर हर सेक्शन से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-2 सवाल तो आएंगे, तो ये 5 टॉपिक्स ज्योग्राफी में मेंशन किए गए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही मजेदार अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी सीईटी तैयारी को एकदम फॉर्म कैसे कर सकते हो, एकदम पक्का कैसे कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट देने हैं, और टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री सीईटी टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 11th FIJC एडमिशंस, और इन टेस्ट्स को लेने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, ASR's लर्निंग ऐप, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो वंस यू डाउनलोड दिस ऐप, आपका जो फर्स्ट टाइम स्क्रीन होगा वो ऐसे दिखेगा, तो इस स्क्रीन पे आपको लॉगिन और कॉन्टैक्ट दिख रहा है, तो आपको कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट टाइम यूजर्स को, और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होगा ये वो आपको भरना होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते समय आप सिलेक्ट द राइट कोर्स, आप सिलेक्ट करो राइट कोर्स, और इस मैसेज में भी यहाँ पे आप फ्री सीईटी टेस्ट मेंशन कीजिए, तो आपको डायरेक्टली हम इस कोर्स में रजिस्टर कर देंगे और सारे फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल किए जाएंगे। मोर देन 100 फ्री टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल किए गए हैं, और डेली टेस्ट बच्चे दे रहे हैं पिछले 2 महीने से, और इसका काफ़ी बेनिफिट ले रहे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपको इन टेस्ट को देना है तो आपको यहाँ पे इस ऐप पे रजिस्टर करना होगा। कोर्स देखिए आपको, ट्यूशन हम काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, UPSC, MPSC, SSC, डिफेंस वगैरह, तो आपको 13 ट्यूशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये स्कूल लेवल में आएगा फिलहाल, तो ये 13 ट्यूशन आपको सिलेक्ट करके मैसेज जो आप सिलेक्ट करोगे जब कॉन्टैक्ट फॉर्म भरोगे, तो इस मैसेज में आप मेंशन कीजिए CET फॉर FIJC। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही से कोर्स सिलेक्ट किया और मैसेज डाला, तो आपको विदाउट एनी हिंड्रेंस आपको डायरेक्टली लॉगिन डिटेल्स हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा आपने किस कोर्स को सिलेक्ट करके किस पर्पज से इस ऐप पर रजिस्टर किया है, वरना कन्फ्यूजिंग हो जाता है और हम आगे प्रोसेस जल्दी नहीं कर पाते, है ना। तो ये आप मैसेज मेंशन कीजिए और अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म भरिए। वंस यू सबमिट द कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन डिटेल्स आपको मैसेज आ जाएगा। लॉगिन डिटेल्स आते ही आप इस ऐप पे जब लॉगिन करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। सो वंस यू हैव लॉग्ड इन इनटू द ऐप, यू गेट एक्सेस टू द वीडियोस, द टेस्ट, द स्टडी मटेरियल विच इज अवेलेबल हियर। तो मेनली यहाँ पे आपके फ्री टेस्ट जो अवेलेबल हो गए, वो सारे फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ टेस्ट हो गए, अटेम्प्टेड टेस्ट, पेंडिंग टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट, सारे आपको दिखेंगे, तो ये सारे टेस्ट आप दे पाओगे। ये भी MCQ टेस्ट है, मतलब एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस, जैसे यहाँ पे आपका ये 10th का कार्बन कंपाउंड्स का ही क्वेश्चन है, IUPAC नेम फॉर CH3CHO, तो ये एक्चुअली एसिटिलडिहाइड है ना, पर ये एसिटिलडिहाइड इज द कॉमन नेम, हमें पूछा गया IUPAC नेम, तो इसका करेक्ट आंसर है इथेनॉल, है ना, बिकॉज दिस इज 2 कार्बन एटम्स, तो ये इथेन है,
ना, इथेन पैरेंट नेम है, तो इथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन है. सो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस हो गए, इनको आपको अटेम्प्ट करना है. करेक्ट ऑप्शंस आप दोगे तो आपका सही स्कोर आएगा, और इसका फाइनल आप जब टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये रिजल्ट आपको तभी का तभी सामने दिख जाएगा कि व्हाट वर द क्वेश्चंस यू वेंट रॉन्ग इन, हाउ मच स्कोर डिड यू गेट, हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट. और आप यहाँ रिविजन में सारे क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते, फिर से देख सकते कौन सा सवाल क्या आपने मार्क किया, कई क्या सही आंसर था. तो पूरा आपको फ्री एक्सेस दिया जा रहा है. बट रिमेंबर दिस इज अवेलेबल ओनली अप टू 31st of July. तो ये आप जल्द से जल्द इस ऐप को रजिस्टर करके इस पे इसका बेनिफिट लें. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.